नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के गुरु रविदास नगर में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोलियां, बाप बेटा हुए घायल। लुधियाना की अदालत के बाहर कोचर मार्केट की तरफ गोलियां चलने का मामला आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर की गैंगस्टर टास्क फोर्स ने नशा और हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दो लोगों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्तौल 2 जिंदा रौंद किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के गुरु रविदास नगर में पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां चल गई, जिस कारण बाप और बेटा बुरी तरह से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक सतनाम लाल अपने घर में खाना खा रहा था कि इस दौरान दरवाजे पर कुछ लोग आए, जिन्होंने दरवाजा खोलते ही बहस करनी शुरू कर दी और पिस्तौल निकाल ली। इस दौरान सतनाम ने पिस्तौल छीनने की कोशिश की तो उन्होंने गोलियां चला दी, जिसमें एक गोली सतनाम के पेट को छूकर निकल गई, जबकि दूसरी गोली उसके हाथ में लगी, तो वहीं एक गोली सतनाम के बेटे नितिन के माथे को छूकर निकल गई। गोलियां चलाने के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं सतनाम और उसके बेटे नितिन को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना वन के प्रभारी जतेंद्र कुमार पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना की अदालत के बाहर कोचर मार्केट की तरफ गोलियां चलने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मौके पर एसीपी सुमित सूद ने बताया कि वे अभी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुष्टि की कि अदालत के बाहर गोलियां चलाई गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शी सुखदीप सिंह ने बताया कि वह यहां से गुजर रहा था कि इस दौरान 3 गोलियां चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल है और इससे ज्यादा वह कुछ नहीं जानता। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। गोलियां चलियां दो तीन। पता नहीं गा जी, इदा नहीं पता। भज लगी देखे, एक नू लैके गए हाथ च पा के लगी हुई सी हाथ च, बाकी तो देखा नहीं कोई। मेरा तो सुखदीप सिंह है जी। पता लग गया। हाँ जी, अभी वी हैव जस्ट अराइव्ड एट द स्टॉप। अमृतसर की गैंगस्टर टास्क फोर्स को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब जेल में से चलाए जा रहे नशे और हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी अमोलक सिंह ने बताया कि अमृतसर जेल में से मुकेश कुमार नाम के एक आरोपी के पास से फोन बरामद हुआ था और मुकेश कुमार से प्राथमिक पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई थी कि मुकेश कुमार को जेल में यह फोन सुखचैन सिंह द्वारा पहुंचाया गया था, जिसके बाद गैंगस्टर टास्क फोर्स के स्टाफ की ओर से टीम बनाकर सुखचैन सिंह को काबू किया गया। तो सुखचैन सिंह ने प्राथमिक पूछताछ के बाद बताया कि मुकेश कुमार जेल में रहकर ही हथियारों और नशे का कारोबार कर रहा है, जिसके तहत सुखचैन सिंह ने मुकेश कुमार के कहने पर जो हथियार बिहार से लाए थे उन्हें रिकवर किया गया। पुलिस ने इस मामले में सुखचैन सिंह और जोबनजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अब तक 3 32 बोर के पिस्तौल और 2 जिंदा रौंद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये FIR नंबर 30/18/123 अंडर सैक्शन 42-52 प्रिजन एक्ट ये दर्ज होया सी। ये जेल दे विचों एक मुकेश कुमार नां दा दोषी सी,
उहदे कोलों फोन बरामद होया सी और उस दे विच मुकेश कुमार की पुछगिछ च गल आई सी भी ये फोन मैनू जेल में सुखचैन सिंह वल्लों फेंके राही पहुँचाया गया सी और पुछगिछ दे विच जो तफतीश सीनियर अफसरां दे हुक्म मुताबक दफ्तर इंचार्ज एंटी गैंगस्टर उन्हां दे हैंडओवर की गई सी और असीं अपनी एक टीम बना के सुखचैन सिंह सन ऑफ ब्रह्म सिंह जो मजीठे दा रहण वाला आ उहनूं असीं गिरफ़्तार किया और उहदी पुछगिछ विच आया कि जो मुकेश कुमार आ उह जेल विच रह के ही सारा ये जो नजायज़ हथियारां ते नशे का कारोबार आ उहनूं ओपरेट कर रहा आ और इस लड़ी तहत ही सुखचैन सिंह ने मुकेश कुमार के कहण ते जो वैपन बिहार तो लिया सी सानूं रिकवर होए आ और इहदे विच हुण तक दो दोषी रैसट होए आ सुखचैन सिंह अते जोबनजीत। जालंधर के सिटी इंस्टीट्यूट में पांचवें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विशेष रूप से पहुंचे। गौरतलब रहे कि लगभग 30 मिनट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अंदर रहे और बातचीत की, जिसके बाद वे वापस लौट गए। इस दौरान अंदर मौजूद कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने जालंधर के उद्योगपतियों से उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी हर समस्या को दूर किया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनमोल गगन मान ने कहा कि पंजाब भर के उद्योगपतियों से उन्होंने राय ली है और जाना कि उन्हें कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं जिसे वे दूर करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई है और सब में काफ़ी उत्साह है। उन्होंने बताया कि 23 और 24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट करवाया जा रहा है ताकि पंजाब की और ग्रोथ हो सके और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करें और बाहर से और लार्ज स्केल इंडस्ट्री लेकर आए, जिससे रोजगार बढ़ेगा और स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जी पहला लुधियाना हुई है जी, हुण असीं जलंधर दे विच आ। साडी जिन्नी भी पंजाब दी इंडस्ट्री है उन्हां सारे नाल गलबात कीती है, उन्हां दे सुझाव सुने, राय लई की होर बेहतर कर सकदे आ, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिहड़ी असीं लॉन्च कीती है काफ़ी चीज़ां नूं लैके उत्साह है ते कुछ होर सुझाव मिले ने, सो हर चीज़ जिहड़ी है दिनों दिन रिफाइन कर सकदे आ, होर वधिया बना सकदे आ। 23-24 फरवरी नूं मोहाली च इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं ताकि पंजाब की जिहड़ी ग्रोथ स्टोरी उहनूं अगे लैके जा सकीए, पंजाब च जिहड़ी इन्वेस्टमेंट होर लैके आ सकीए, लोकल इंडस्ट्री नूं बूस्ट करिए ते बाहरों जिहड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री लियाईए जिहदे नाल साडे रोज़गार भी पैदा होगा, स्टेट का रेवन्यू भी जनरेट होगा ते पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर होर मजबूत हो जूगा। देखो काफ़ी तरह दी उहनां दीआं चीज़ां ने जिहदे उत्ते लंबी चौड़ी लिस्ट आ जिदे उत्ते असी नोट कीतियां ने ते उन्हां चीज़ां उत्ते बैठांगे। उन्हां नूं सारयां नूं मैं सुनेहा लाया कि एनी टाइम तुसी आके 1-to-1 मिलो जिते तुहानूं दिक्कत आउंदी है, एंड जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है। ये वो सरकार नहीं है जिहड़ी हिस्सेदारियां मंगदी है, तां जिहड़ी सीएम साहब ये क्लीयर करके गए ने कि असी तंग करन वालियां चों नहीं है, असी चाहुंदे आ कि इंडस्ट्री ग्रो करे तां कि नाल नाल सरकार दे नाल नाल इंडस्ट्री भी बहुत सारे जिहड़े रोज़गार दे साधन आ उह पैदा करदी है ते इंडस्ट्री दे नाल असी कदम ना कदम मिला के चलन नूं रेडी हैं, हर चीज़ दे विच फुल सपोर्ट है साडी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आऊगी। देखो जलंधर च खड़े हैं, इत्थे जिहड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत वड्डी आ ते असीं चाहुंदे हां कि इहदी अपनी एक डोमीनेटिंग मार्केट होवे, ग्लोबली हब बने जलंधर दी। हुशियारपुर च साडे ट्रैक्टर्स दा ऑलरेडी एक हिसाब ना डोमीनेटिंग इंडस्ट्री है, उहनूं भी असीं चाहुंदे हां कि उहनूं होर वड्डा उहदा जिहड़ा रेवन्यू आ ग्लोबली बहुत वड्डा हो जाए, चाहे असीं लुधियाणे च गए सी टैक्सटाइल दे विच आ। सो इदां दे बाईसाइकल दे विच लुधियाणा बहुत अग्गे आ, क्योंकि इस तों पहलां असीं लुधियाणा जा के आए सीगे। सो उत्थे भी मैं इही सुझाव दित्ता सी वी सानूं दस्सो असीं कित्थे बैठ सकदे हां, कित्थे तुहाडे नाल गल करी आइडियाज़ लै के आओ, हर जगह उत्ते असीं मदद करांगे जिथे भी सरकार दी बणदी मदद इन्हां दी करनी है। तो साडा एक ही मंतव है जी, पंजाब नूं बहुत अग्गे लैके जाना, पंजाब नूं तरक्की दे राह ते पाउणा ते जिन्ने भी इंडस्ट्रीज़ दे सुझाव आए उन्हां ते गौर करके इहनूं होर रिफाइन करांगे। देखो मान साहब इत्थे आए है, ये बड़ी अच्छी गल है कि पहली बार कोई सीएम ने इदा उपराला चुकया, तो सारे अफसर साहबान तो MLA साहबान भी इतने से इंडस्ट्री का पक्ष सुनने के लिए। सारे पता है इंडस्ट्री तो रेवेन्यू जनरेशन आनी है तो उन्होंने एक वाधा देना एक बहुत जरूरी काम है, पर इन्वेस्ट पंजाब के जोड़े समिट होंगे वो सब तो व्डा उपराला सरकार का यह होंगे कि इंडस्ट्री वेलकम करके जो मेन इन्वेस्टर समिट
चंडीगढ़ होना है 23-24 तरीक नूं ज़्यादा तो ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आन ते सरकार दी जिहड़ी आगामी पॉलिसी है उहदे बारे थोड़ा होर विचार वटांदरा किया जाए तो कुछ जिहड़ी घोषणावां है वह भी उत्थे कीतियां जांदियां ने। पर इस बार मान साहब का जिहड़ा उपराला सी उह होर सी, उह कहिंदे मैं तुहानूं सद्दा नहीं देना है, तुसीं भी होस्ट हो। जदों असीं कोई इनवैस्टर समिट करदे हां एज़ अ स्टेट, सारे जिहड़े व्यापारी है वह होस्ट की तरह काम करन, ते जिहड़े बाहरों कोई व्यापारी साडे कोल आ रहे ने ते असीं उहनां नूं इक निघा सद्दा देईए ताकि इत्थे इंडस्ट्री होर वधे फुले, जिहड़े इत्थे दे इंडस्ट्रियलिस्ट है वह भी वधन फुलन ते बाहरों होर इंडस्ट्री आके लावे। सुल्तानपुर लोधी के सदर बाजार में गत रात्रि गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ, जहां पर कुछ हथियारबंद व्यक्तियों ने दो युवकों को किराने की दुकान के बाहर घेर कर उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में उपचाराधीन अविनाश भट्टी ने बताया कि वह गत रात्रि 8:30 बजे के करीब सदर बाजार में सामान लेने के लिए गया था। जब वह सदर बाजार में स्थित एक किराने की दुकान से बाहर निकला तो 8 से 10 युवक आए और आते ही उन्होंने उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। उसने बताया कि उस समय उसके साथ उसका भाई आकाशदीप भट्टी भी मौजूद था, जिसने अपनी जान दुकान के अंदर घुसकर बचाई। उसने कहा कि उक्त युवकों ने उन्हें जाति सूचक गालियां भी निकाली और इससे पहले भी उक्त युवक ने उसके चाचा के लड़के पर भी हमला किया था, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस संबंध में जब दूसरे पक्ष के लवप्रीत सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप अविनाश भट्टी लगा रहा है वे झूठे हैं और सरासर निराधार हैं। वहीं मौके पर पहुंचे थाना सुल्तानपुर लोधी की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने कहा कि जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ बनती कार्यवाही की जाएगी। भैया अविनाश भट्टी, मेरा नाम सानोक सोनू, मोहल्ला गाजीबाग। मैं अपना घरेलू समान लैके जा रहा सी किराने की दुकान तो उधर 7-8 मुंडे आए भाई मेरे गल पै गए, तो पहला भी मेरे चाचे के मुंडे की गल पे पहला भी तो भी एस एच ओ सामने रही लड़ाई झगड़ा होया वा आ चढ़कियाँ चौंक जी। मैं धीरा महल का रहने वाला वा, आरिया समाज चौंक च मैं नाइट ड्यूटी करदा चौकीदारी की। ये बंदे जी मेरे ना 3-4 बार गलत होकर गए है उत्थे भी आरिया समाज चौंक च, जिहदी मैं रिपोर्ट दी है थाने, वह कोई हल नहीं होया जी। 3-4 बार मैं दरखास्त दे चुका वा, अज 2 दिन पहला भी इन्होंने साडे घर जी आण के कुटमार की है जी, मोटरसाइकिल भन्ने आ, बूहे भन्ने आ जी, उस अलावा भी 2 घर च होर जाके इन्होंने वारदात करके आए जी। कौन कौन व्यक्ति सी? यही हाई स्कूल के सामने महला जी, वह महल के ही मुंडे जिहदा नाम एक काशी आ, कट्टा वा, नवीन आ, लल्ला वा, कशिश ही, तो 4-5 अनपछाते भी है जी जिहड़े जिन्हां सानूं पता नहीं है। जालंधर के किशनपुरा इलाके से एक निहंग सिंह की 6 से 7 साल की बच्ची को एक अज्ञात महिला बहला फुसलाकर अगवा करके ले गई। अज्ञात महिला द्वारा बच्ची को अपने साथ ले जाने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। निहंग सिंह ने थाना 8 में अपनी बच्ची के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने बच्चे की फोटो सभी पुलिस थाने और कंट्रोल रूम पर सूचना के आधार पर हर जगह भेज दी है। इस संबंधी निहंग सिंह के साथी ने बताया कि अज्ञात महिला उनके साथी को रास्ते में मिली थी और महिला की हालत बहुत खराब थी। अज्ञात महिला को ज्योत सिंह कल अपने घर ले गया और वह खुद मंडी में काम करने चला गया, जिसके बाद अज्ञात महिला उसकी 6 से 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अगवा कर अपने साथ ले गई। थाना 8 के प्रभारी नवदीप सिंह ने बताया कि मंडी में काम करने वाला निहंग सिंह बीते दिवस एक अज्ञात महिला को अपने साथ घर ले गया था, जिसके बाद अगले दिन 12 से 1 बजे के करीब उक्त महिला उसकी बच्ची को लेकर घर से चली गई और अभी बच्ची गायब है और वह महिला भी गायब है। बच्ची की फोटो और उसकी जानकारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित बाकी सभी जगह दे दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये मामला आज कल सवेरे 5:30 बजे का आया। ये साडे वीर भाई साहब जी अपने निहंग सिंह जी है और सब्जी बेच के अपनी किरत करते हैं। जदों ये अपने जा रहे थे सब्जी मंडी, इन्हों आ जी लेडी जी मैं फोटो फड़ी हुई है, ये लेडी रस्ते में मिलती है जिसे कि कपड़े भेजे हुए से और काफ़ी ओह जी अवस्था में सी भी जरा मतलब कि तरसयोग अवस्था में सी। तो 2 मुंडे जोड़े छेड़खानी करते थे एज आ सिख होने के नाते, इन्होंने अपना धर्म नभाया उस लड़की उन्हां लड़कियां दे पासों छड़वाया जिहदे विच कि इन्हां दी मतलब कि आपस में तू तू मैं और हथों पाई भी हुई है। उस तो बाद इन्होंने उस लेडी अपने घर खड़िया
ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਕਸੂਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਕਸੂਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘੋ ਕਾ ਬਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਕਰ ਅਹਾਤੇ ਮੇਂ ਸਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਦੋ ਯੁਵਕੋਂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਵਹੀਂ ਇਸਕੀ ਖਬਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਓਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਕੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਜਬਕਿ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਯੁਵਕੋਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘੋਂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਨੀਏ ਔਰ ਧਰਮ ਇਸਕੀ ਕਤਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਾਤੇ ਮੇਂ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰੋਂ ਸੇ ਹਮਲਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਜਿਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਫੜਿਆ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਹੈਂ ਮੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਥਾ ਕਿਸਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮਲਸਈਆਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਲਸਈਆਂ ਗਏ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਦੋ ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ
अपने अमृतसर दौरे के दौरान जहां शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए, तो वहीं उनकी ओर से गत साई हेरिटेज स्ट्रीट विरासती मार्ग में पहुंचकर लोगों और दुकानदारों से बातचीत की गई। वहीं उन्होंने कहा कि अकाली दल ने ही गुरु नगरी के लोगों को विरासती मार्ग बनाकर यह तोहफा दिया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार के 2023-24 के बजट पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय वक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण और देश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार किया गया है। जिला भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना मार्ग में भाजपा के जिला शहरी प्रधान हरविंदर सिंह संधू की प्रधानगी में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय वक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि ये केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की तरक्की और भारत को विश्व शक्ति व विश्व गुरु बनाने का नींव पत्थर रखेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आपने देखा होगा कि इस पूरे बजट में जो चार चीजें जो बहुत प्रमुखता से जो देखी गई है, जिसके बारे में चर्चा की है, जो हमारी जिस अपॉर्चुनिटीज़ को आगे हमारी सरकार इस पूरे इसमें बजट के में जो पेश हुआ है उसके द्वारा आगे बढ़ाने चाहती है, वो है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, जो ग्रीन ग्रोथ जो है हरित जो है उसका विकास करना है, उसकी फोकस है, युवाओं को जो है आगे बढ़ाना है उसके बारे में चिंता की गई है, और जो टूरिज्म के बारे में जो बहुत बड़ा फोकस है कि टूरिज्म जो है हमारे देश में आगे बढ़े। इस बजट पे भी उसका जिक्र है कि 50 ऐसी जगह, इसके डिटेल्स अभी आते रहेंगे, लेकिन टूरिज्म को बहुत बड़ा महत्व है और टूरिज्म के माध्यम से देश को आगे पहुँचाना है, ये जो है हमारी कोशिश है। बरनाला में उत्तर भारत का 45वां वार्षिक नाट मेला बरनाला के शक्ति कला मंदिर में आयोजित किया गया। नाटक मेले में नाटक, नुक्कड़ नाटक, कोरियोग्राफी, ग्रुप डांस और गिद्धे की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इस संबंधी आयोजकों ने बताया कि लगातार 3 दिनों के कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएँ हुईं, जिसमें विजेता युवाओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं टीमों को लाने वाले शिक्षकों और प्रतिभागी छात्रों ने इस समागम की सराहना की। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, ये 45वां नाट मेला जिहड़ा कि बरनाला दे विच हो रहा, बरनाले नूं वैसे भी सहिकारां दा मक्का कहा जांदा, ते जिहड़ा यह प्रोग्राम चल रहा है रंगकर्मियों के लिए बहुत बड़ा उपराला, जिहड़ा कि 45 सालों तो लगातार चल रहा। मेरी खुद की टीम ने भी YS कॉलेज हंडियाया वालों इस थिएटर इवेंट के भाग लिया, तो वधिया पेशकारी बच्चों ने दी है। हम लास्ट ईयर आए थे और इस बार हम फिर से आए हैं। हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, सभी अपनापन फील होता है और यहाँ पे आके परफॉर्म करने का डिफरेंट आइटम्स मौका मिलता है हमको। लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर मैं ओवरऑल बेस्ट डांसर रहा था सर यहाँ पे, और इस साल अभी मैं ओवरऑल बेस्ट एक्टर निकला हूँ कल, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। सभी हम आपस में भी हमें टाइम स्पेंड करने को मिलता है और सबके साथ मिलके डांस करें, इंजॉय होता है फुल। हाँ, आगे क्या कहते हैं, आगे जाना पड़ेगा। हम जैसे बड़े बड़े शोज कर चुके हैं, लास्ट टाइम हम राष्ट्रपति भवन भी गए थे, राष्ट्रपति भवन वहाँ पे डांस किया हमने, और हम भारत पर्व के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, वहाँ पे भी हमने क्या कहते हैं 26 जनवरी को रेड फोर्ट के सामने डांस किया वहाँ पे, और क्या बस इससे रिलेटेड हमको एक डांस फॉर्म बहुत अच्छी लगती है। बस इतने आके फिर मैं कहना चाहूँगी भी इतने आके सानू बहुत चंगा लग्या, इतने गिद्धा परफॉर्म किया जी, तो साड़ी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा वधिया हुई, हले तक इस रिजल्ट तो बाद पता लगेगा जी। तो सर इतने आके सानू ये गल बहुत वधिया लगी भी इतने हर एक नू भी वधिया मौका मिल रहा, सब बहुत मोटीवेट हो रहे हैं जी इतने आके, तो भी हर एक नू अपना चाह पूरा करन दा मौका मिल रहा जी इतने सब दे। मीन्स हुण जिवें कुड़ियां नू शौक हुंदा जी गिद्धा भंगड़ा डांस वगैरह, सब नू इतने मौका मिल रहा जी। सर इतने असीं गिद्धा कीता, कोरियोग्राफी भी हो रही ने, नाटक भी होए ने सर, ड्यूड डांस हो रहे ने। असीं बच्चों नू इनाम वजो ट्रॉफीज दिंदे आ, ती जिहड़ियां विजेता टीमां ने उहनां नू कैश प्राइज भी दिंदे आ, सारे बच्चों सर्टिफिकेट दिते जाते हैं। असी एक
नवी नहीं कह सकते, पहला तो एक मुहिम चलाई हुई है। जो भी टीम बाहरों आती है असी उन्होंने एक प्राइज जरूर दे के भेजते हाँ, ताकि कोई टीम जी पिछे रह जाए उन्होंने ये ना लगे कि सानू कोई ट्रॉफी नहीं मिली। हर टीम च एक मंग का प्राइज असी हर टीम च एक बच्चे दें।